हेलमेट से बच्चे की जिंदगी और सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन से हादसे में कमी आएगी। इसी उद्देश्य और संदेश के साथ आज रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत एसपी व डीसी ने सड़कों पर उतरे लोगों को जागरूक किया और बिना हेलमेट चालकों को हेलमेट वितरित किए। वहीं डीसी राहुल हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से रोड सेफ्टी के लिए जो फंड दिया जाता है उसी फंड से आज 50 हेलमेट वितरित किए गए हैं और लोगों को यही समझाया गया है कि जीवन अनमोल है, एक हेलमेट पहनकर जिंदगी बचाई जा सकती है और अपनी रक्षा की जा सकती है। वहीं एसपी मोहित हांडा ने भी कहा कि जीवन अनमोल है, आज जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था उन्हें हेलमेट वितरित किया गया है। जहां हमारी ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है तो वहीं ट्रैफिक नियमों की पालना ना करने वालों के चलान भी लगातार किए जा रहे हैं। केवल चलान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने कहा कि रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत इस बार जागरूकता अभियान कई जगह चलाए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में भी सेमिनार करवाना और ट्रैफिक के प्रति जागरूक करना, इससे भी लोगों में काफी जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। इसी प्रकार से सर्दी में वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई गई और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया गया है। काफी सारे लोग बिना हेलमेट के सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है और इसी को लेकर आज हेलमेट ना पहनने वालों को हेलमेट वितरित किए गए हैं। देखिए जी, हमारा जो रोड सेफ्टी का जो कार्यक्रम है उसके तहत हम भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करते रहते हैं, जैसे कि स्कूलों में अवेयरनेस कराना, सर्दियों के मौसम में जो है हमने रिफ्लेक्टर टेप डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ पर हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बिना हेलमेट के चलते हैं, तो उसमें जब कई बार हमने चालान भी किया या उनसे किया तो उनके ये कॉमन चीज़ें देखी गई कि जी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उठा के एक अब हेलमेट खरीदने लगे हैं। तो जैसा सरकार की अपेक्षा है और जैसा उनका जो है इस पे जोर भी है कि सड़क पे सुरक्षा बनी रहे, तो उसके तहत हमारे जो मुख्यमंत्री जी, इन्होंने काफ़ी बजट जो है इस चीज़ में दिया हुआ है, तो उसको देखते हुए हमने हेलमेट परचेज़ किए हैं और उसके बाद यहाँ पर लोगों को यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और शहर के अलग अलग कोनों में अलग अलग स्पॉट्स पे इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया जाएगा। देखिए, डीसी साहब ने जैसे बताया हेलमेट अनिवार्य है, सबको ये पता होना चाहिए, चाहे इसकी कीमत 200 500 या जितने भी रुपए हो, जीवन अनमोल है। इसलिए आप सबके माध्यम से यही अपील है कि पुलिस एनफोर्समेंट तो कर ही रही है पर अपने जीवन रक्षा हेलमेट के माध्यम से स्वयं करें। अभी सरकार की ओर से जैसा डीसी साहब ने बताया, ये फंड को यूज़ किया गया अवेयरनेस के लिए और बाकी संस्थाएं भी, जैसे आपने कहा, उन सब से भी ये अपील है कि ये सभी जनमानस को जो है सबसे संबंधित है, वो भी सभी संस्थाएं यमुनानगर ज़िले की, वो भी साथ में जुड़ें, अवेयरनेस भी क्रिएट करें, जहां पे हेलमेट वितरण की आवश्यकता है वो भी करें और सब जो है वो जीवन बचाना ही हमारा उद्देश्य है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।